दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए हर सियासी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाकर अपना गुणगान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार के दम पर जीत का दावा कर रही है। मगर इस बीच अब कांग्रेस के एक दिग्गज ने ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। दिल्ली में होगी आम आदमी पार्टी की जीत, बीजेपी के अरमानों पर फिरेगी झाड़ू, कांग्रेस को मिलेगी हार। जी हाँ, ये दावे अब तक सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, मगर अब ऐसे ही कुछ दावे उस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं जिसने दिल्ली की सियासत में लगातार 15 साल तक राज किया है। जी हाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी को पछाड़कर आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आने में कामयाब रहेगी, और अब उनके इसी दावे ने दिल्ली के सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आम आदमी पार्टी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। बीजेपी की आलोचना करते हुए पायलट ने कहा कि लोगों की ताकत ही आखिर में सब कुछ तय करती है। पैसे से चुनाव नहीं जीत सकते। झारखंड में बीजेपी को जीत नहीं मिली, आखिर में वोटर ही सरकार तय करता है। सचिन पायलट के आम आदमी पार्टी की जीत वाले दावे को कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा धक्का माना जा सकता है। कांग्रेस की हालत पिछले चुनाव में इतनी बुरी थी कि पार्टी महज 9.7% वोट ही हासिल कर पाई और तीसरे नंबर पर रही। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मजबूत वापसी की थी। पार्टी का वोट 13% तक बढ़ गया था और वो 22% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। 2015 में 54% वोट हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में मात्र 18% वोट मिले थे, जिसके बाद कांग्रेस में दिल्ली जीत की उम्मीद जागी थी। मगर अब कांग्रेस के दिग्गज ने ही आपकी जीत का ऐसा दावा किया है जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली में हार मान ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।